मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब गर्भवती महिलाएं भी अपने बच्चों को जन्म देना चाहती है। डॉक्टरों के पास कई महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने की इच्छा जता चुकी है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। देश भर से लोग इस कार्यक्रम में किसी न किसी तरीके से शामिल होना चाहते हैं। इस दिन को एक खास उत्सव की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में गाजियाबाद से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां पर गाजियाबाद में गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी जनवरी महीने में होनी है, वह डॉक्टर के पास पहुँच रही है और उनका कहना है कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को हो, ताकि ये पल उनके और उनकी संतानों के लिए जीवन भर यादगार बना रहे। युगों पहले भगवान श्री राम कार्तिक महीने में रावण का वध करने के बाद माता सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस लौटे थे, और उस समय से ही हमेशा हमेशा के लिए लोग उस दिन को दीपावली के पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन माघ महीने में 22 जनवरी को एक बार फिर कानूनी लड़ाई जीतकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उनके जन्म स्थली अयोध्या जी में होने जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ गर्भवती महिलाओं ने भी अस्पताल के डॉक्टर से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जिस दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, उसी दिन उनके बच्चे का जन्म हो। गाजियाबाद के महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर सुमता तालिब ने बताया कि कुछ महिलाओं ने ऐसी पेशकश की है कि उनके शिशु 22 जनवरी को ही जन्म ले, लेकिन ये सब ईश्वर के हाथ की बात है। कुछ बच्चे जो सिजेरियन पैदा होने की संभावना है, उन गर्भवती महिलाओं ने डॉक्टर से 22 जनवरी को ऑपरेशन करने की गुहार लगाई है। गाजियाबाद के अस्पताल पहुंची महिलाओं ने बताया कि अगर 22 जनवरी को उनके घर में बेटा होता है तो वे उसका नाम राम रखेंगी, और अगर बेटी होती है तो उसका नाम सीता रखने की उन्होंने इच्छा जताई है। लेकिन ये सब तो राम ही जाने कि वो कौन सी खुशनसीब महिला होगी जिनके घर 22 जनवरी को उनकी इच्छा के अनुरूप उनका शिशु जन्म लेगा या नहीं। बता दें कि 22 जनवरी को भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, इससे अच्छा मुहूर्त और क्या ही हो सकता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं अस्पताल आ रही है और 22 जनवरी को डिलीवरी करने के लिए वो कह रही है। अस्पतालों में इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।